नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के कौशाम्बी पहुंचे पीएम मोदी ने सभी को एकजुट होने का मंत्र दिया है। वहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी दावा किया है कि चौथे चरण में बीजेपी जीत का चौका मारने के लिए बढ़ रही है। जो लोग सोचते हैं कि यूपी के लोग बढ़ जाएंगे, उन्हें जवाब देने के लिए यूपी के लोग आज फिर पोलिंग पर बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर उसे आगे बढ़ाना है तो लोगों को एकजुट होना ही होता है। भारत और यूपी के तेज विकास के लिए हम सभी का एकजुट बने रहना हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी। पीएम किसान योजना के तहत कौशाम्बी के 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 350 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा किए हैं। साथियों, इस कोरोना काल में आपने देख लिया है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी से मिल रही है जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से मिल रही है जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ। ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को अगवा कर गैंग रेप किया गया है। 3 युवकों पर दरिंदगी का आरोप लगा, पहले से घात लगाए बैठे थे तीनों आरोपी। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बड़ी जानकारी जहां एक तरफ आज चौथे चरण का मतदान खत्म हुआ है और तमाम चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, हम आगे महिलाओं को सुरक्षा देंगे। वहां पर ये खबर आ रही है कि बुलंदशहर में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। ये तस्वीरें अस्पताल की मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया नाबालिग छात्रा को। दरअसल जानकारी मिल रही है कि छात्रा जो है वो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी से घात लगाए बैठे युवकों ने उसको अगवा कर लिया, उसके बाद इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी मिल रही है कि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, 2 अब भी फरार हैं। बुलंदशहर के जहांगीराबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी लोकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद का है जहां पर ये पीड़ित युवती जो है, जो नाबालिग है, ये ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी और इसका पीछा कर रहे थे ये तीनों युवक जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, इसको अकेला पाकर उन्होंने अगवा किया और फिर बारी बारी से इसके साथ गैंगरेप भी किया। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे ही पीड़िता ने वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू किया तो साथ ही कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए। ग्रामीण जो बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इसमें जांच करते हुए कार्रवाई आगे को बढ़ाते हुए जो आरोपी युवक हैं उनको लड़की ने पहचान लिया है। जो साथ के 2 युवक थे जिनको लड़की जानती है उनके घर पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है, जो कि अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में पॉस्को एक्ट में धाराएं जो जुड़ती हैं उनको लगाकर, यानी लोकेश ये जो आरोपी बताए जा रहे हैं ये परिचित थे पहले से ही? जी बिल्कुल, अगर हम लड़की की माने तो लड़की ने जैसा मेरे पास वर्जन है लड़की का, लड़की बता रही है कि वो जो 2 युवक हैं उनको वो जानती है, पास ही के गांव के वो दोनों रहने वाले हैं। जी
जहां एक तरफ पुलिस ये कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, छात्राओं को सुरक्षा दे रहे हैं, प्रशासन शासन यही कहता है, इसी बीच ये गैंगरेप कहां है महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी? लोकेश जी बिल्कुल, देखिए चुनाव स्तर पर है और अभी बाकी कई जिलों में वोटिंग होनी बाकी है और जिस तरह से नेता बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, हमने महिला सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, इस तरह के बड़े बड़े वादे जो नेता है वो करते हैं, लेकिन जिस तरह से आए दिन अपराध बुलंदशहर में और बाकी जिलों में देखने को मिल रहे हैं उससे नहीं लगता कि अपराध काबू में है या अपराधी को किसी भी तरह का खौफ है। लोकेश, पीड़िता के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं और इस पर पुलिस का क्या रिएक्शन सामने आया है, पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि एक आरोपी को तो ग्रामीणों ने ही धर दबोचा था और पुलिस के हवाले कर दिया, जो दो आरोपी अभी फरार हैं, कब तक गिरफ्तार करेगी पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए मैंने बताया पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए पुलिस कार्यरत है और साथ ही अगर परिवार की बात करें तो परिवार सहमा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ट्यूशन पढ़ने के लिए छात्रा घर से निकली थी कहाँ सुरक्षा रह जाती है, फिर अगर इस तरह से जो पीड़िता है उसको अकेला पागल तीन युवक घात लगाकर एक बारी बारी गैंगरेप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का भरोसा उठ जाता है पुलिस के ऊपर से, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए जो लोकेश कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ चुकी है, ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद भी दम भरते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं और आज ये खबर सामने आती है। आज चौथा चरण था उत्तर प्रदेश में, भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे थे मतदान करने के लिए और ऐसे दिन आज ये खबर सामने आ गई है, यानी कि जो वादे जो दावे किए जा रहे हैं वो तो खोखले साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बात से बिल्कुल कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से नेता आए दिन बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावी जनसभाओं में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर इस तरह से प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि नाबालिग छात्रा इनके साथ इस तरह की घटनाएं होती है जो कि बिल्कुल जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन चीजों पर हम कुछ लगाना पड़ेगा, सरकार को कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, लेकिन भरोसा जीतने के लिए जिससे कि महिला हमारी सुरक्षा महसूस कर सके उसके लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है लोकेश, शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो बुलंदशहर का ये पूरा मामला है जहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी की गई, परिचित ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं, ग्रामीणों ने एक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन दो आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, न्याय की गुहार लगातार परिजन लगा रहे हैं। जाना ट्यूशन के लिए जा रही थी, रास्ते में दो लड़के मिले, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी। अच्छा अच्छा, आप उन्हें जानती हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको बाइक पर ले गए थे वो? हाँ, उन्होंने जबरदस्ती करी, तीन जने थे। कितने लोग थे? तीन, एक तो बाइक पे है, दो जने और एक पीछे अकेले से बाइक लेके आ रहा, पीछे कर रहा। आप उन्हें जानती हैं? उनमें से दो जानती हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? रिवाड़ी।